हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज बादल राय एंड आई एम हैविंग विद माय लैब अटेंडेंट टीचर सोनिया मैम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट, टाइट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट एंड टाइट्रेशन मींस वी हैविंग रिएक्शन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड हुज फॉर्मूला इज COOH ट्वाइस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सैलिक एसिड में हमको स्टूडेंट्स क्या करना है, टाइट्रेशन करनी है, आपस में रिएक्शन करवानी है। एंड वी नीड दिस इंडिकेटर, we need this indicator phenol phthalein we will use. For this we need to use the apparatus, this is the pipette, we call it pipette. इससे हमको 20 ml, ये देखिए यहाँ पर एक निशान बना हुआ है, हम इसको सक करते हैं ऐसे और फिर इससे 20 ml हम मेजरमेंट लेते हैं। सो ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। एंड आफ्टर दैट आई नीड टू टेल यू द apparatus, दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, जो भी पिपेट आउट होगा वो इसमें जाएगा। एंड दिस इज द ब्यूरेट, we call it, this is the burette and this is the burette stand. So in the starting of the experiment students, this is oxalic acid, we need to take it into the burette. Hum funnel lagayenge upar aur isko yahan par pura fill kar lenge oxalic acid ko. Sir, what is the formula of oxalic acid? It is COOH twice, COOH twice. Aur agar hum isko 0 par 0.1 par set karenge, koi bhi 0 par na kare, aur we can set it to 1. Hum isko yahan se नोब को टाइट कर देंगे अच्छे से, देखिए यहाँ पर ब्यूरेट की नोब है। अब मैंने इसको 1 पर सेट, 0 पर सेट कर दिया, 0.1 पर। एंड एज सून एज आई सेट इट, मेरे को फनल को रिमूव करना है, फनल को रिमूव करके टाइट्रेशन करनी है। साथ साथ में ये जरूरी चीजें ध्यान रखेंगे, ओके। सो ये ऑक्सैलिक एसिड हमने ले लिया, इसको यहाँ रख रहे हैं। नाउ दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको पिपेट आउट करना है 20 ml। ये देखिए यहाँ पर स्पॉट बना हुआ है, अब क्या करने जा रहा हूं मैं, वी आई एम गोइंग टू सक इट। ये देखिए यहाँ पर 20 ml हमने क्या करना है, इसको ले लेना है और 20 ml लेके वो पॉइंट तक हमने हमको इसको कॉनिकल फ्लास्क में इंसर्ट कर लेना है। हमको इसको किसमें इंसर्ट कर लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में इसको इंसर्ट कर लेना है, ओके। सो कॉनिकल फ्लास्क में हमने इनको पोर कर दिया। अब हमको क्या डालना है, फिनोल फेथालीन इज इंडिकेटर। सुनिए मैम, प्लीज ओपन इट, प्लीज ओपन इट। फिनोल फेथालीन एज इंडिकेटर विच रिप्रेजेंट द रिएक्शन। Yes, after 1 to 2 drops of phenol phthalein, देखिए कलर क्या हो गया हमारे पास, कलर कैसा हो रहा है, चेंज हो गया है हमारे पास, पिंक वायलेट कलर का हमारे पास कलर बन रहा है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टाइट्रेशन, ध्यान इधर रखिए एवरीबॉडी प्लीज सी। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप वाइज हमको ऑक्सैलिक एसिड एड करना है, वी नीड टू एड ड्रॉप वाइज एंड वी नीड टू कंटिन्यू द स्टरिंग, कंटिन्यू द स्टरिंग, वी नीड टू एड द ड्रॉप वाइज लाइक दिस। ये देखिए ड्रॉप जा रही है और ऐसे करेंगे हम इसको, ये देखिए सर ड्रॉप वाइज, तेज ना हो बिल्कुल भी, ये देखिए ऐसे। एंड द वॉल एंड द ड्रॉप शुड बी ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द वॉल ऑफ दिस कॉनिकल फ्लास्क। जो ड्रॉप है वो कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, सीधी सोल्यूशन में डिप होनी चाहिए हमारे पास। ये देखिए ऐसे हम इसको स्टर करेंगे और साथ में हम इसको परफॉर्म करेंगे, एवरीबडी प्लीज सी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को ताकि आपको फाइनल रिजल्ट दिखा दें। चलिए we need to add it drop wise with continuing stirring, एक हाथ से देखिए ऐसे मैं कैसे उसको stir कर रहा हूं। और जैसे ही हमारे पास colorless आया, देखिए colorless आ गया, ये हल्का सा इसके wall पे ऊपर हल्का सा वो है, जैसे ही colorless आ गया हमारे पास, ये देखिए ये colorless आ गया, we need to stop it and we need to note the reading। पहले initial reading note कर ली थी हमने starting में जब मैंने burette fill करी थी, that is 0.1। अब जो हमारे पास reading आ रही है, that is 10। तो what is that difference, 10 माइनस 0.1, तो इसमें से हमारे पास ये रीडिंग आ गई है। सर हाउ मेनी रीडिंग्स वी नीड टू टेक, वी नीड टू परफॉर्म एटलीस्ट 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स लेंगे और 3 रीडिंग्स का मीन निकालेंगे, वो हमारी यहां पर रीडिंग आ गई, वॉल्यूम यूज्ड। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम यूज्ड। इसके बाद हम कैलकुलेशंस जो आपको पीडीएफ भेजी है उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है जो रीडिंग्स आ रही है। सो स्टूडेंट्स इन दिस केस वुड स्टडी अबाउट द टाइट्रेशन बिटवीन द ऑक्सैलिक एसिड एंड NaOH, ओके।